हम सबको ये अल्लाह का एहसान मुबारक हो। पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो। जश्ने आजादी मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ सुबह यौमे वतन तेरी दिलकशी को सलाम, जनाबे बाबा कायद की आगही को सलाम। ये ख्वाब हजरत इकबाल कैसा रंग लाया है, अलग चमन की फजाओं की रोशनी को सलाम। मेरे वतन तेरा परचम सदा बुलंद रहे, तेरी वफा के तकाजों की रोशनी को सलाम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सिबा एजाज फरिश्ता। आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हम जानेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान के खूबसूरत लोगों से कुछ सवालों के जवाब, कि हम आज़ादी क्यों मनाते हैं या हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं। नाज़रीन, आज़ादी नाम है कि एक माँ अपने 9 महीने के बच्चे को गोद में उठाए पाकिस्तान की जानिब रवान दवा। वो 9 महीने का बच्चा भूख और प्यास से बिलक बिलक कर मर जाता है, लेकिन वो माँ पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही एक कब्र खोदती है और लाश को दफना कर ये सदा लगाती है कि ऐ मेरे बेटे, तुझे जना था गुलाम हिंदुस्तान, पर तुझे दफनाया है आज़ाद पाकिस्तान। और आवाज़ आती है कि मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम, हम तो सिर्फ उनवा थे असल दास्तान। तो नाज़रीन, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम पाकिस्तानियों से जवाब चाहते हैं कि हम आज़ादी क्यों मनाते हैं, तो आइए चलते हैं। हम सबको ये अल्लाह का एहसान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो। तो जी नाज़रीन, अभी हम लोग मौजूद हैं पाकिस्तान मोनूमेंट में। हमारे साथ एक नन्हे मुन्ने से बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे क्वेश्चन करेंगे। पहले कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऐशुल मतिया है। अच्छा, ठीक है ऐशुल, मुझे ये बताएं कि हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? हम 14 अगस्त हम आज़ादी के जश्न में मनाते हैं, आज़ादी के जश्न की याद में मनाते हैं। अच्छा, तो आज़ादी के जश्न में मनाते हैं। कौन आज़ाद हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो आप पाकिस्तान के लिए फिर क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम दूंगा कि हमें इसी नेमत को आगे बढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं और इसमें ये तरक्की करें। पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? हम अच्छे काम करके। अच्छा, और बस अच्छे काम करके, मेहनत करके, कोशिश करके। चले जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा लगा दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, उधर देख के लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सबको ये अल्लाह का एहसान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सबसे पहले तो आप अपना नेम बताएं कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम फहद हुसैन है। फहद हुसैन, अच्छा मेरा एक सवाल है कि हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इसलिए हम पाकिस्तान के। तो आपको लगता है कि हम आज आज़ाद हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है। आज़ाद है तभी आप यहाँ पर आए हैं घूमने फिरने के लिए। अच्छा, जाते जाते पाकिस्तान के लिए एक पैगाम दे जाए। पाकिस्तान के लिए मैं यही पैगाम दूंगा, पाकिस्तान लोगों को ये पैगाम दूंगा, पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है। हाँ। इसको हम खुद साफ करें। हाँ। ये हर जगह गंदगी फैला रही है, अभी इधर देखिए ये खाते हैं। अच्छा। इधर ही फेंक देते हैं हर चीज़। हाँ। इसको साफ करना हमारा काम है। हाँ, अपने माहौल को साफ करें, क्योंकि सफाई ईमान है। तो जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। इतना इतना आहिस्ता बोलेंगे तो समझ ही नहीं आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाइंदाबाद। हम सबको ये अल्लाह का एहसान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक। तो जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक और यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं मौजूद हैं, हम इनसे पहले पूछेंगे इनका सबसे पहले नाम क्या है। सर आपका नाम? जफर इकबाल। जफर इकबाल, सर सबसे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? जी 14 अगस्त को पाकिस्तान बना है, 14 अगस्त 1947। हाँ, तो हम उसकी खुशी में 14 अगस्त मनाते हैं। उसकी खुशी में 14 अगस्त मनाते हैं। तो आप 14 अगस्त की इस मौके पर आवाम को क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम यही आवाम को कि 14 अगस्त धूमधाम से मनाएं। अच्छा, खैर खैरियत से सब लोग। हाँ। ज़्यादा मतलब के इधर उधर कोरोना भी है। हाँ। तो उसकी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, उसकी एहतियात करनी चाहिए, कोरोना से बचें आप लोग और अपनी हिफाजत करें। आखिर में जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
हम सबको ये अल्लाह का एहसान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और बच्चे मौजूद हैं, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। पहले तो सबसे पहले अपना नाम बताएं, क्या है? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा, कैसे हैं आप? ठीक। कौन सी क्लास में? सिक्स क्लास में। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अच्छा, और पाकिस्तान बना था। और पाकिस्तान आज़ाद भी हुआ था और पाकिस्तान बना भी था। आप पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम दोगे? कोरोना से बचें, मास्क पहने, 14 अगस्त मनाएं। हाँ, और पाकिस्तान जिंदाबाद। और हाँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। उधर देख के गए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाथ जोड़ के नहीं कहते, अब बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सबको ये अल्लाह का एहसान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक। पहले क्या करते हैं ये बताएं? मैं वैसे आईटी की जॉब करता हूँ और यहाँ पे व्लॉग शूट करने आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर व्लॉग शूट करने आए हैं आप? मुझे ये बताएंगे हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को। हाँ, और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। बस पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आवाम को क्या पैगाम देंगे, पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि बहुत ह्यूमर फैला हुआ है कि वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आप मर रहे हैं। हाँ। या आपको कोई डैमेज हो रहा है। हाँ। तो ये चीज़ नहीं है। हाँ। वैक्सीन लगवा रहे हैं तो ये आपके भले के लिए, ये आपके भले के लिए वैक्सीन लगवाएं, इससे कोई अमवात नहीं हो रही है, ये इनका पैगाम है। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सबको ये अल्लाह का एहसान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, आपका नाम? जाहिदा। जाहिदा मैम, आप क्या करती हैं? मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हैं, बच्चों को मारती हैं? जी नहीं, नहीं। मतलब कि आप बहुत प्यार से पढ़ाती हैं। अच्छा मैम, 14 अगस्त आ रही है तो मेरा आपसे सवाल है कि हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? 14 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं कि ये जो है हमारा मुल्क है और उसको बहुत ही स्ट्रगल से कायदे आज़म और अल्लामा इक़बाल और जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं सब की कितना स्ट्रगल से बना है। तो मेरा यही पैगाम है सब लोगों को कि अपने मुल्क की बहुत हिफाजत करें और ये मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है माशाल्लाह से, लेकिन इसको थोड़ा सा उसकी हिफाजत की ज़रूरत है, उसकी हिफाजत की ज़रूरत है। तो आप उस मुल्क की हिफाजत करें, बहुत कोशिशों के बाद हमें ये मुल्क हासिल हुआ है। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।